नमस्कार, प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है वेज स्वीट कॉर्न का सूप। और इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। मकई के दाने 1.5 कप, गाजर बारीक कटी हुई 1/2 कप, बीन्स 1/2 कप बारीक कटी हुई, फूल गोभी बारीक कटी हुई 1/2 कप, प्याज हरी प्याज के पत्ते 1/4 कप बारीक कटे हुए, कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर जिसको कहते हैं 1 बड़ा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, चीनी 1 बड़ा चम्मच, पानी 4 कप, नमक 1 छोटा चम्मच या स्वादानुसार। अब इसको बनाने की विधि समझ लेते हैं। सबसे पहले एक पैन में 4 कप पानी उबलने के लिए रखिए। जब पानी उबल जाए तो उसमें गाजर डाल दीजिए और इस गाजर को 2 मिनट तक इस उबलते पानी में पकाइए। 2 मिनट के बाद इसी उबलती हुई गाजर में बीन्स डाल दीजिए और फूल गोभी डाल दीजिए जो हमने बारीक काटी हुई है। अब इसमें इसको हम पकाएंगे जब तक कि ये सब्जियां सारी गल ना जाएं। इनको हम इस पानी में पकने देंगे, अच्छे से ये सब्जियां सब गल जानी चाहिए। इस बीच में हम थोड़ा सा पानी डालकर 1 कप जो मकई के दाने हैं उनको पीस लेंगे मिक्सी में। और इस उबलते हुए जो हमारा सूप का उबल रहा है पानी, उसमें इस पेस्ट को, मकई के दानों का जो पेस्ट है उसको डाल देंगे और फिर इसको खोलने देंगे, इसको फिर से उबलने देंगे और इसको कुछ देर तक पकने दीजिए। उसके बाद जो हमारा 1/2 कप बचा हुआ मकई का दाना था उसको भी इसी में डाल दीजिए और फिर से इसको पकने दीजिए, इसको अच्छे से खोलने दीजिए। उसके बाद इसमें चीनी, नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए और इन सब चीज़ों को अच्छे से इसमें मिला लीजिए। आप रंग अगर सफ़ेद एकदम चाहते हो तो काली मिर्च की जगह सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक और चीनी आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो हमारी कटी हुई हरी प्याज थी उसको डाल दीजिए और उसको भी थोड़ी देर तक पकने दीजिए। अब एक कटोरी में जो कॉर्न स्टार्च था उसको लीजिए और थोड़ा सा पानी डालकर उसका एक पेस्ट सा बना लीजिए और फिर इस पेस्ट को इस सूप में डाल दीजिए। इससे इसमें गाढ़ापन आ जाता है तो सूप एकदम पानी जैसा नहीं लगता, इससे इसमें थिकनेस आ जाती है, बहुत स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है इससे। तो इससे आप इसको डाल के इसको मिला लीजिए और उसके बाद आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार उबाल आ जाए तो इसको बंद कर दीजिए और गर्मा गर्म इस सूप को परोसिए। बहुत ही स्वादिष्ट सूप है। इसको आप नूडल्स वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे ही किसी भी समय दिन के समय में भी इसका आप आनंद उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि खाने के साथ ही आप इसको खाएं। और ये इंडो चाइनीज़ खाने में बहुत पसंद किया जाता है। यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरा चैनल प्रभा की रसोई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नई रेसिपीज़ मिलती रहें। धन्यवाद।